अब है क्या कि नोजल, अगर हमको ज़्यादा दिन अगर चल गया है तो अगर हमारा नोजल अगर डाउन हो गया है प्रेशर, तो एक मीटर आता है उस पर हम प्रेशर उसको हम देखते हैं, और इसको और ये नोजल और ये जो है डीजल पंप का, ये डीजल जो पंप है और ये इंजेक्टर, दोनों को एक जिस कंपनी का है उस कंपनी के सर्विस स्टेशन में जा करके इसका पार्ट्स चेंज करके इसके प्रेशर को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको इधर उधर नहीं करना है। ये है गवर्नर सिस्टम। गवर्नर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि स्पीड, जैसे कि हम यहाँ पर हमको 1400 से 1500 आरपीएम फ्लाई व्हील पर लेना है, और इसका हाफ जो है हम यहाँ कैमशाफ्ट पर लेना है। तो इसको हम टेकोमीटर से हम नाप करके हम जब स्पीड को मेंटेन करेंगे, तो इस स्पीड मेंटेन करने के लिए ये है स्क्रू दिया हुआ है। इस नट से हम स्पीड को मेंटेन करके और यहाँ पर एक वायर से हम लॉक कर देते हैं, यानी कि सील लगा देते हैं ताकि इस स्पीड को ना छेड़े, क्योंकि अगर हम स्पीड को अगर घटाते हैं तो मशीन का एचपी घट जाएगा। तो इसलिए स्पीड को टेकोमीटर से नाप करके हम अपने फ्लाई व्हील पर कितना, यानी कि अगर फ्लाई व्हील पर अगर कुछ मशीन लगा हुआ है नहीं नाप सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक स्टिकर लगा करके यहाँ पर जैसे 700 आरपीएम अगर दिखा रहा है तो आपको फ्लाई व्हील पर 1400 आरपीएम दिखेगा, अगर 750 दिख रहा है तो वहाँ पर उसका दुगना दिखेगा। तो इस टाइप से आप स्पीड को नाप सकते हैं। इसके अंदर भी देखा जा सकता है कि एक फ़िल्टर होता है, इस फिल्टर का भी बहुत महत्व है, इसको भी साफ़ करना चाहिए बीच में निकाल करके, क्योंकि कोई भी हम डीजल लाते हैं डब्बा में, क्योंकि ये तो टंकी पर जाता नहीं है, ले जाना मुश्किल है, तो इसको हम साफ़ सफाई करेंगे ताकि हमारा कोई भी कचरा इस फिल्टर में अंदर ना जाए। अब रह गया पंपिंग सेट में हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे ये कपलिंग हो गया, कपलिंग को हम जैसे कपलिंग रबर, यानी कि इसके वाइब्रेशन को रोकता है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा रहा तो इस रबर के चलते हमको इस बैरिंग को टूटने से रोकता है। ये हमारा ग्रीस देने का एक पॉइंट है, इससे हम ग्रीस को देंगे यहाँ पर, और यहाँ जो हम आपको देख रहे हैं दो नट है, इसको हम खोलेंगे, और यहाँ पर गैलन सूता होता है, और यहाँ पर गैलन सूता को काट करके उसको अंदर धकेल देंगे, यानी कि टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अगर पूरा हमारा ये अंदर चला जाता है तो फिर एक गैलन सूता हम यहाँ पर देंगे, ताकि हमारा नट बोल्ट थोड़ा सा बाहर की ओर रहे, और जब भी हमारा पंप चले 25 घंटा या फिर 25 घंटा 30 घंटा, तब हमको क्या करना है कि जहाँ यहाँ से अगर एक भी बूंद अगर पानी चू रहा है तो इस नट को थोड़ा सा टाइट करेंगे, यानी कि जब तक हम हल्का हल्का टाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक तरफा अगर टाइट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टूटने का शिकायत होता है, इसलिए इसको हल्का इधर टाइट करना है, फिर हल्का इधर टाइट करना, ऐसा आप करते हैं तो आपका गैलन सूता टाइट होगा और यहाँ से एयर लेने का क्षमता ख़त्म हो जाएगा। अगर एयर लेता है तो आपका पानी भी छोड़ देगा।